हम बिल भरने को तैयार है, हम इतना गंदा पानी नहीं चाहिए, इतना गंदे रोड नहीं चाहिए हमें। पानी गंदा बिल्कुल, गंदा पानी गंदा बिल्कुल। हम देश के गद्दारों के साथ नहीं है भैया। वो कितना ही समर्थन कर ले देश के गद्दारों के साथ, शाहीन बाग में बैठ जाए, चाहे JNU में चले जाए, कहीं भी चले जाए, लेकिन सरकार अपनी ही आनी है और हमें BJP को साथ लाना है। राष्ट्र के लिए हमें, राष्ट्र के लिए सोचना है। हमें फ्री की राजनीति भी नहीं करनी, फ्री की राजनीति, फ्री के नहीं खाना हमें, हमें फ्री का नहीं, जो अपने बच्चों का नहीं, जो अपने कार्यकर्ताओं का नहीं, जो अन्य हजारे का नहीं हुआ, वो देश का क्या होगा। क्या स्थिति लग रही है यहाँ पर रिठाला में, आज जो अमित शाह जी आए थे रैली हुई, क्या लग रहा है इसमें? बहुत अच्छा लगा भाई साहब, मतलब BJP आएगी, हर तरह से आएगी। केजरीवाल का और फ्री की राजनीति करना, ये कहाँ तक जो है झूठ कहाँ तक चलेगा, थोड़ी देर ही चलेगा, जीत सच की होनी है। हर हर मोदी, हर हर मोदी। क्या लगता है कि शाहीन बाग में जिस तरह से ये केजरीवाल और कांग्रेस पार्टी जो है समर्थन दे रही है, तो क्या क्या लगता है आप? ये एकदम भ्रष्टाचारी है, सारे भ्रष्टाचारी हैं। हम तो मोदी जी के साथ हैं और मोदी जी आएंगे आएंगे और आएंगे। हाँ जी, देश का के साथ हम नहीं है, 500 रुपए में हम नहीं आएंगे। तो जो ये पानी फ्री और बिजली फ्री का, नहीं भैया हमें फ्री का बिल्कुल नहीं चाहिए, हम अपने स्वाभिमान से जीना चाहते हैं और हमें नहीं चाहिए फ्री। हमें फ्री की बजाय हमें बिल दे, बिल भेजे, हम बिल भरेंगे, हम 10-10 रुपए की लालच भी नहीं है। हम बिजली का बिल भरने के लिए तैयार है, चाहे 100 का, जहाँ 100 का आता है वहाँ 200 का आ जाए, हम बिजली का बिल भरेंगे, लेकिन अपनी भारत माता का शीश नहीं झुकने देंगे। केजरीवाल कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को शाहीन बाग जाना चाहिए, उनको चुप कराना चाहिए, उनसे मनाना चाहिए, तो आपको क्या लगता है? पहले वो जाएं और वो समझा के आएं, अगर वो देश के साथ है तो, और अगर नहीं जाना नहीं जा सकते तो हमें, वो एक पत्रकार को भी पीटा था वहाँ पे, तो हम कैसे जाएं बताओ समझाने, कौन जाएगा वहाँ पे? दीपक चौरसिया को मारा था उन्होंने। क्या लगता है आपको कांग्रेस पार्टी से लेकर के और आम आदमी पार्टी का लगातार जो है जो देश विरोधी नारे लग रहे हैं, CA का जो विरोध कर रहे हैं, आपको क्या लगता है CA क्या है, CA का क्यों विरोध कर रहे हैं? CA का ये यूं विरोध कर रहे हैं कि जो है ये पाकिस्तान जा जाके पैसे लेके पाकिस्तान जाते हैं, और जो है हमारे ये समझते हैं मोदी जी हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, लेकिन वो सबको साथ लेके चलते हैं, ये समझ में नहीं आ रही उनके। आप समझिए उनको किस तरह से ये CA का विरोध क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग जो वहाँ पे सताए हुए हैं उनको नागरिकता देने वाली बात हो रही है, किस बात का विरोध कर रहे हैं वो, उनको नागरिकता नहीं देनी चाहिए क्या? उनको नागरिकता देनी चाहिए, सर्वप्रथम उनको नागरिकता देनी चाहिए, लेकिन वो इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि उनका वोट बैंक कम हो रहा है। वो चाहते हैं कि मुस्लिम बैंक वोट बैंक खत्म हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मुस्लिम भी हमारे भाई हैं और सारे लोग भी हमारे भाई हैं। मुस्लिम है उनको तो कोई खतरा नहीं है, वो तो मुस्लिम है ही, उनका तो नागरिकता है ही। देखो किस को कौन से मुस्लिम की बात कर रहे हैं, वो कहते हैं कि पाकिस्तान से जो मुस्लिम आएगा वो क्यों आएगा यहाँ, क्योंकि वहाँ पर बहुसंख्यक है, वो तो सताया हुआ है, नहीं नहीं वो वहाँ पर जो माइनॉरिटी में है वो सताए हुए हैं, उनको हम नागरिकता दे रहे हैं, तो क्या क्यों नहीं समझ पा रहे हैं केजरीवाल जी? विपक्षी पार्टी उनको बुरा लग रहा है ना कि मोदी जी ने ये पास किया है, तो उसके लिए विरोध करना उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी बन गया है कि हम इसका विरोध करेंगे। उनको बस वोट बैंक की राजनीति, उनके पास और कुछ नहीं। राहुल गांधी भी बराबर जाते हैं वहाँ पर और उनके जो नेता बड़े नेता हैं वो शाहीन बाग में सपोर्ट करते हैं, तो क्या लगता है आपको कौन सी राजनीति कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी दिल्ली में? झूठी राजनीति कर रहे हैं, सारी झूठी है जी, सारी झूठी, बिल्कुल झूठ की राजनीति नहीं चलेगी। हमें अपने देश को बचाना है, हमें अपने समाज को, हमें बच्चों के भविष्य देखना आगे। हमें, हम बिल भरने को तैयार है, हम इतना गंदा पानी नहीं चाहिए, इतना गंदे रोड नहीं चाहिए हमें। पानी गंदा बिल्कुल, गंदा पानी गंदा बिल्कुल। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में जो देश विरोधी नारे लगते हैं और कन्हैया कुमार का अभी की जो है उसकी फाइल जो है उनके पे, तो क्या क्या लगता है? गद्दार, गद्दार जी, गद्दार कन्हैया कुमार, उनको ये जीतने के लिए टिकट देते हैं कि जाओ, सजा होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल सजा होनी चाहिए, बिल्कुल सजा होनी चाहिए, उसको सजा होनी चाहिए। जो इस भारत को देश का नागरिक है वो ऐसे नारे लगाता है, देश विरोधी नारे, उसको टुकड़ा टुकड़ा कर देंगे। कश्मीर को आजाद करने की बात करता है वो, है ना, मैं फाइल दबा के बैठूंगा तो, अगर मैं फाइल खोल दूंगा तो मेरे जो काले चिट्ठे है वो सब खुल जाएंगे, इसलिए वो फाइल दबा के बैठे अपने पास। उनका सारा काला धन निकलेगा, BJP आ गई, मोदी रहेंगे 20 साल तो सारा पता लग जाएगा उनको, कितना झूठ चलता है, कितना सच चलता है। किसी आप वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, धर्म की राजनीति कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं लोगों को, समझाना चाहिए, उनका क्षेत्र पड़ता है राज्य में, उनके सरकार है, तो आपको क्या लगता है शाहीन बाग में उनको समझाना चाहिए नहीं समझाना? दिल्ली के मुख्यमंत्री होकर के वो उल्टा कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद चाहिए उनके नहीं।
जाने की शाहीन बाग में, उनकी खुद की हिम्मत नहीं है जाने की। जो वहाँ के लोगों को उठा रहा है वो क्या समझाएगा? मीडिया वाले गए उनको भी पीट के भेज दिया। अब की बार भारतीय जनता पार्टी की कितनी सीटें आई? पूरी सीट, पूरी 55 की, पूरी 55 प्लस। फ्री का पानी दे रहे हैं, आपको क्या लगता है पानी फ्री का होने से क्या क्वालिटी ठीक है पानी की? पानी की बहुत गंदी है भैया, बहुत गंदी क्वालिटी है पानी की। हैवी निजी बिल आ रहे हैं, सड़कें भी टूटी हुई है। बिल आ रहे हैं, बिल आ रहे हैं, दिखाऊं बिल? ये देखो मेरा, हमारा बिल आया हुआ है। कोई फ्री नहीं है, कोई फ्री नहीं है। कैसा पानी? बहुत गंदा पानी आ रहा है और बिल आ रहे हैं बिजली के। कोई फ्री बिजली नहीं है, कोई फ्री पानी नहीं है। जो ये फ्री का पानी किया है इन्होंने गर्मी में क्यों नहीं किया? ये अभी क्यों कर रहे हैं? बिजली भी ये फ्री की कर रहे हैं, गर्मी में क्यों नहीं दे रहे? सर्दियों में किसी को जरूरत नहीं होती, सिर्फ लाइट की जरूरत होती है। केंद्र सरकार हमें काम करने नहीं दे रही है कि क्या? आप कहते हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं जी। आरोप कुछ नहीं है, झूठा आरोप जी। कन्हैया कुमार जैसा को या तो मौत सजा देशद्रोह के मामले में, कुछ नहीं। इन जैसों को तो देश से या खत्म कर देना चाहिए या बाहर कर देना चाहिए, दो में से एक होना चाहिए। ये कहता है अच्छे बीते 5 साल, जब ये 5 साल इसके अच्छे बीते तो साल पब्लिक के बीते बुरे 5 साल। ये यूं क्यों कहता है कि मेरे को 4.5 साल काम करने नहीं दिया गया, जब इसके अच्छे बीते 5 साल तो 4.5 साल का वो क्यों देता है कि मेरे 4.5 साल बहुत बेकार गए, मुझे काम करने नहीं दिया? जब तुझे काम करने नहीं दिया तो तेरे अच्छे बीते 5 साल का नारा क्यों लगा रहा है? क्या किया हमें नहीं दिखा? सीए का जो विरोध हो रहा है उनको सब पता है कि सिर्फ सीए में क्या है, तो विरोध बराबर कर रहे हैं। और एक विशेष विशेष जो है कम्युनिटी के लोगों को गुमराह करने जो आगे बात हो रही है, तो उसको क्या कहेंगे? उनको यही कहेंगे, इनके बस की कुछ भी नहीं है, बस ये विरोध 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 करते रहेंगे, लोगों को दिखाते रहेंगे। पर इनको पता होना चाहिए जनता जाग गई है, जनता होशियार है, जनता पढ़ी लिखी है। अंदर खाने में से खाना भी वही मुहैया करा रहा है, ट्रांसपोर्टेशन वो दे रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है कि शाहीन बाग में 40 दिन तक आप किसी भी को एंटी पार्टी वाले खाना नहीं पहुंचाएंगे तो कैसे जिंदा रहेंगे? रिठाला से आप लोकप्रिय उम्मीदवार हैं, तो कितना आश्वस्त हैं आप रिठाला की जनता से? कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में? आप ये बताइए कि आपके जो प्रतिद्वंदी जो अभी सरकार है और जो कांग्रेस पार्टी है लगातार जो है शाहीन बाग जैसे जो है संवेदनशील मामले में जो है लगातार उनको जो है साथ दे रहे हैं, और ये उनके मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम उनके साथ हैं, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में जो टुकड़े टुकड़े गए उनके साथ में है, तो आपको क्या लगता है किस तरह की राजनीति हो रही है दिल्ली में? देश को बांटने की राजनीति करने वाले ये टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ जो खड़े हैं दिल्ली, उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए दिल्ली भी अब खड़ी है बिल्कुल। उनको एफआईआर में पता लगा कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जो है वकील लोगों को बड़ा फंड आया है, उसमें से ट्रांसफर हुआ, तो आपको क्या लगता है कि जो ये दंगे भड़काने के लिए कांग्रेस से जो है तमाम जो ये आम आदमी पार्टी के नेता हैं और कांग्रेस के बड़े नेता बड़े वकील हैं वो एफआईआर से जो है बहुत बड़ा जो है फंड जो है ट्रांसफर हो रहा था, एक संस्था बनाई हुई है जिसमें कि तमाम जो है उसमें कश्मीर में भी फंड प्रोवाइड किया गया उसके माध्यम से, तो क्या लगता है आपको? ये कांग्रेस पार्टी का चाल चलन और चरित्र जो पिछले 60-70 सालों से है वो वही रहेगा। इन्होंने देश को खोखला करने का काम किया है, अब भी वो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन देश का चौकीदार नरेंद्र मोदी है, इनकी कुछ चलेगी नहीं। अब भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह कहने वालों की खैर नहीं। बिल्कुल। कपिल सिब्बल जी के अकाउंट में 77 लाख रुपए आए हैं और ये एक वकील और हैं जो इंदिरा जो है जयसिंह के नाम से, तो आप लगाइए कि ये इस बीच में जो है इतना बड़ा जो फंड का जो ट्रांसफर हो रहा है वो क्या लगता है किस तरह की मानसिकता होती है और कौन सपोर्ट कर रहा है ये, और शाहीन बाग जैसे मामले में अभी तक जो उनको फीडबैक मिल रहा है वो कौन लोग हैं? मैं तो साफ साफ कहना चाहता हूँ, अभी आपने चिदम्बरम जी का हाल देखा, जो गड़बड़ करेगा सब जाएगा, यहाँ अब कोई बचने वाला नहीं है, जो ईमानदारी से चलेगा वो रहेगा, जो गड़बड़ करेगा देश को बांटने की कोशिश करेगा हमारे माननीय अमित शाह जी ने कहा वो जेल जाएगा तो जाएगा। 2016 में कन्हैया कुमार ने जो है तमाम जो उनके नेतृत्व में जो है ये जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में इस तरह से जो है नारे लगे हैं, देशद्रोह का मामला दर्ज है उनमें अभी, और केजरीवाल सरकार अभी जो वो फाइल दबा के बैठे हुए हैं, तो क्या लगता है आप?
क्या लगेगा, मैं तो पहले ही कहा और आपको जान के आश्चर्य होगा, मैं उसी धरती से हूँ जिस धरती से कन्हैया है। हमें शर्म आती है उस देशद्रोही के प्रति जिसने दिनकर की धरती का नाम मिट्टी में मिला दिया। हम लोग उस चीज़ों को प्रेशर डाल के और उस पर FIR जरूर, मुझे लगता है कि केजरीवाल सरकार आज नहीं कल उनकी आँख खुलेगी और उनको FIR कराना पड़ेगा और कराना ही पड़ेगा। वो कहते हैं कि 5 साल तक बोलते रहे कि ये केंद्र सरकार जो है मोदी सरकार हमें काम करने नहीं दे रही, लेकिन अभी उनके स्लोगन आ रहे हैं कि अच्छे बीते 5 साल और लगे रहो केजरीवाल। तो टूटी सड़कें, बहता सीवर, गंदा पानी, रिठाला विधानसभा की यही कहानी, गंदे बीचे 5 साल, अब दिल्ली छोड़ दो केजरीवाल। सीए पे जो विरोध हो रहा है, सीए पे शाहीन बाग में आपको लगता है कि कौन फीड अप कर रहा है? और मनीष सिसोदिया जैसे जो है उप मुख्यमंत्री हैं आम आदमी पार्टी के, वो कहते हैं हम जो है शाहीन बाग के साथ भी हैं और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के साथ भी, छात्र नेताओं के साथ। वो सब दोगली राजनीति का नजरिया है जिससे वो देखना चाह रहे हैं। वो चाहते हैं कि हम अल्पसंख्यकों को भी उससे कैच कर लें और साथ साथ जो दिल्ली की जनता को ये फ्री 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 का नारा जो दे रखा है, जबकि 4.5 साल तक वो आदमी रोता रहा कि मेरे को सेंट्रल गवर्नमेंट ने काम नहीं करने दिया, राज्यपाल मुझे काम नहीं करने देते, मेरे को सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड नहीं आते, MCD मुझे कोऑपरेट नहीं करती, ये सब उसका छलावा था। सिर्फ सत्ता के लोभ में वो ये सब हरकतें कर रहा है। और वो आज जब एक समय ऐसा आएगा जब दिल्ली में भाजपा की सरकार बनेगी, वो शाहीन बाग पे रिठाला विधानसभा पे सबसे बड़ा थप्पड़ होगा उसके मुंह पे, जब आप देखेंगे कि यहाँ से भाई मनीष चौधरी जब कैंडिडेट हमारा जीत के निकलेगा और एक बहुत जीत का बड़ा मार्जिन लेके निकलेगा, तब आप लोग कहेंगे कि भाई साहब वाकई में ऐसा कुछ जलवा था इन लोगों का जो खींच के मोहिंदर गोयल के ऊपर थप्पड़ मारा। क्योंकि यहाँ पर मोहिंदर गोयल, आपको भी पता है कि एक रेप केस में उन लोगों के ऊपर भी एक केस चल रहा है। सिर्फ पैसों की राजनीति है ये और इसका जवाब हम बहुत जल्दी उनको दे देंगे। शाहीन बाग जैसे मामले में देखो, शाहीन बाग में जो औरतों को आगे करके छोटे बच्चों को इस कड़ाके की ठंड में, ये संक्रमण जो है पूरे उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व्यथित होकर के उनको बोलना पड़ा कि मर्द जो है घरों में बैठे हुए हैं और बच्चे और औरतों को जो सड़क पर उतारा हुआ, तो आप क्या कहेंगे? लोगों के नज़रिए से अगर आप देखोगे शाहीन बाग में जो हो रहा है, आप देखो छोटे 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 बच्चे जो बैठे हुए हैं वो सिर्फ एक ही नज़रिए से बैठे हुए हैं क्योंकि उन लोगों को पीछे से फंड आ रहा है। भाई जिसके घर में रोटी रोजी रोटी ना चलती हो, केजरीवाल सरकार के राज में अगर आज केजरीवाल सरकार और कांग्रेस पार्टी मिलके दोनों को पैसा दे रही है तो वो क्यों नहीं बैठेंगे? जिसके घर में 12-12 बच्चे हैं, 10-10 बच्चे, सबको 300-400 रुपये मिलेगा, वो क्यों नहीं बैठेंगे? वो क्यों कहेंगे भाजपा सरकार अच्छी है? भाई उनकी तो दिहाड़ी डेली की बन रही है। क्योंकि सबसे बड़ी बात, आप एक बात बताइए मुझे, जिसको फ्री की खाने की आदत होगी वो फ्री सरकार को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस देता है हमेशा। आप यही याद रखना, संगठन है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, उसमें बहुत बड़ा ट्रांजैक्शन हुआ है। कपिल सिब्बल के खाते में 77 लाख रुपए और इंदिरा जयसिंह के खाते में, तथाकथित जो वकील हैं बहुत बड़े ये कांग्रेस के लेकर लगा करके लगा लो और चाहे वो ये कांग्रेस के लगा लो, ये ट्रांजैक्शन हुआ और इस ये फंडिंग जो है जम्मू कश्मीर में जब पत्थरबाजी होती थी तब से हो रहा। तो आपको क्या लगता है कि ये क्या है ये मामला? ये सारी विदेशी ताकतें हैं जो कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर देश का बंटवारा करने की अभी भी कोशिश कर रही है, सब उन लोगों की हरकतें हैं। कांग्रेस पार्टी के इतने बड़े ये नेता, कद्दावर नेता है और सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं कपिल सिब्बल, क्या उनको नहीं लगता है कि देश के अंदर में जो सीए का जैसा विरोध करना, तो उनको लगता नहीं है कि किस तरह से आप बरगला रहे हैं दोस्तों? ये बहुत बड़े भ्रष्ट नेता हैं जिनका शुरू से आचरण ये रहा है। आप कभी भी देखिए इन्होंने देश हित के अगेंस्ट कभी भी किसी का केस नहीं लड़ा। ये हमेशा कोशिश करते हैं कि जो देश विरोधी नारे लगा रहे हैं या कोई जो बड़े बड़े रेपिस्ट हैं, हमेशा उनको बचाने के चक्कर में इन लोगों ने केस लड़े। आज आप बता दीजिए मुझे, कभी भी इन्होंने राम मंदिर के लिए कभी केस लड़ा? क्यों? कपिल सिब्बल हिंदू नहीं है?
क्या 70 साल सिर्फ सिर्फ सत्ता के लोभ में, सत्ता के लोभ में ये कांग्रेस के साथ मिलकर इतना बड़ा छलावा हमेशा से रचते आए हैं, बट अब इनका छलावा खत्म होने लग रहा है, इसलिए लोग पागल हो रहे हैं, क्योंकि इनके हाथ से सत्ता बिल्कुल जा चुकी है। क्योंकि नरेंद्र मोदी आज नहीं, लोग आज नहीं, 2024 में भी नरेंद्र मोदी जी को 303 नहीं 350 सीटों से ऊपर हम दावा करते हैं कि पब्लिक फिर से दोबारा लेकर आएगी। और आज की डेट में राज्य सरकार में आज हमारे को जरूरत है, क्योंकि एक ट्रैक बन जाएगा, एमसीडी लेवल बीजेपी के अंडर में है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑटोमेटिकली बीजेपी के अंडर है। अब अगर अब बीच में स्टेट गवर्नमेंट का जो लेवल साफ हो जाएगा ना, तो एक मीडिएटर बन के काम करेगा, ऊपर से लेकर नीचे तक आप लोगों को बिल्कुल सहूलियत मिलेगी। शंकर अय्यर सोनिया गांधी के कहने से पाकिस्तान चाहते हैं, पाकिस्तान से लौटते ही सीधा शाहीन बाग चले जाते हैं, तो आपको क्या लगता है कौन सी जो है क्या गुट्टी पिला रहे हैं पाकिस्तान और इनके जो है? ये सब उनकी बहुत बड़ी प्लानिंग है, ये लोग आज भी चाहते हैं, जैसे बांग्लादेश अलग हुआ, आज असम को भी ये कहते हैं जी हम देश से बाहर निकालो, जबकि अब इनको ये नहीं पता अब हम वापस नहीं लौटेंगे, लगा लगा के ठोकेंगे इनको। असदुद्दीन ओवैसी और उसका भाई अकबरुद्दीन ओवैसी इस तरह से जहरीले बोल बोलता है, और उसका समर्थन जो है आम आदमी पार्टी से लेकर यह कांग्रेस पार्टी करती है, तो आपको क्या लगता है कि किस तरह से जो है वो हैदराबाद में बैठ करके इस तरह से जहरीले बोल बोलता है असदुद्दीन ओवैसी? असदुद्दीन ओवैसी की अगर आप बात करो तो ओवैसी परिवार आपको पता है पिछले कई सालों से हमेशा वाद विवाद वाले ही बोल बोलते आ रहे हैं। अभी आपने कुछ टाइम पहले भी एक वाद विवाद वाला बोल सुना होगा हैदराबाद के अंदर, कहते पैसा अगर कांग्रेस वाले देते हैं तो ले लो, वोट हमें ही देना। वो सिर्फ पैसों की राजनीति खेलते हैं, और हमेशा वो हिंदू मुस्लिम करके लड़ाई कराते हैं, वो सिर्फ चाहते हैं कि हमारा मुस्लिम वोट बैंक हमेशा मिले। हम लोग चाहते हैं, कहते हैं हम मुस्लिम, देखो जिसकी इच्छा है वो वोट दे, हम किसी को, हम लोग कभी भी किसी को कंपेल नहीं करने जाते कि मेरे भाई आप वोट दो, आपको दिख रहा है वोट दीजिए ना, क्या दिक्कत है। हम नहीं कहते कि हमारे पास मुसलमान ना आए, आए मोस्ट वेलकम, हम जैसा अपने हिंदू भाई का सत्कार करते हैं वैसे हम उनका करेंगे। और असल में देखा जाए तो अगर मैं कहता हूँ कि मुस्लिम ताकतें हैं, तो भगवान ने कभी मुस्लिम पैदा नहीं करा, हम लोग तो खतना तो यहाँ पर धरती पे आकर होता है। अगर वो लोग कहते हैं कि हम मुसलमान पहले से ही हैं, तो हमें दिखा दो कि ऊपर से कब किसी का खतना होकर नीचे आया हो और वो प्योरली मुसलमान बन पाया हो। शर्जील इस्लाम जो है अब भागे फिर रहा है, उस पर FIR हो गई है, तो क्या ये केजरीवाल कहते थे कि मैं स्वच्छ जो है राजनीति करूंगा और स्वच्छ जो है प्रशासन दूंगा, क्या जो देश के जो है खंडित करने वाली बात है, जो जो जिन्ना वाली आज़ादी चाहता है, तो शर्जील इस्लाम का क्या लगता है आपको किस तरह के जो है ये? आपको हमेशा से पता चला होगा कि आपने बहुत साल पहले के इतिहास पढ़े होंगे, केजरीवाल जी सिर्फ सत्ता में आने के लोभ के चक्कर में उन्होंने अन्ना जी को कैच किया, बिल्कुल, जब उनको लगा कि मेरा दबदबा बनने लगा है, मेरा दबदबा बनने लगा है, तो उन्होंने अन्ना जी को कर दिया साइड। और आज अन्ना जी की क्या दुर्गति है आपका दिल जानता है, अन्ना जी कहाँ बैठे हुए हैं, कहाँ वो स्टैंड करते हैं, कहाँ उनकी कोई वैल्यू बनती है। केजरीवाल सत्ता के लोभ में कुछ भी कर सकता है, जो अपने बच्चों की कसम खा के ये कहता था कि मैं कभी सरकारी बंगला नहीं लूंगा, सरकारी गाड़ी नहीं लूंगा, आज 200 लग्जरी गाड़ी उसके पीछे चलती है। इसका छोटा सा ही आप देखो तो आज की डेट में जितने भ्रष्ट नेता हैं, सबसे टिकट का पैसा लेके उसने प्रत्याशियों को खड़ा किया है। कोई एक आप कैंडिडेट दिखा दो जिसके ऊपर केस ना हो। 2016 में चुकड़ी गुड़ी गैंग की जो है जो राजनीति हो रही थी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में, उसका छात्र नेता थे कन्हैया कुमार, आज वो उसको जो है उसकी फाइल जो है कपियों जो देशद्रोह का मामला जो है दर्ज है, लेकिन अभी तक जो है एक मुख्यमंत्री के नाते जो है वो थाई फाइल दबा के बैठते हैं, तो क्या लगता है किस ओर जा रही है राजनीति? केजरीवाल जी ने हमेशा से ही बांटने वाली राजनीति करी है, आज तक उनका रिकॉर्ड रहा है 2012-13-14 से जब वो शुरू हुए अन्ना जी को जब उन्होंने कैच किया था, उनका अंदर से ही मन में ये था कि बस मुझे सत्ता चाहिए, तभी उन्होंने अन्ना जी को कैच भी करा, और वो हमेशा इन लोगों का सपोर्ट करते रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमारा एक मुस्लिम वोट बैंक दिल्ली में बहुत बड़े तख्ते का है, इसलिए हमेशा वो लोग कभी उसके अगेंस्ट नहीं बोलते, क्योंकि हिंदुओं को कुछ लोग जो सिर्फ पेट्रोल महंगा हो गया, दालें महंगा हो गई, प्याज महंगा हो गया, क्या 10-20 रुपए किलो प्याज महंगा होने की वजह से हम प्रधानमंत्री बदल दें? गलत बात है। जिसके घर में छोटी छोटी
जुग्गी बनी हुई है, उसके घर में 200 यूनिट का बिल नहीं आता, सिर्फ उसके दिमाग में फितूर डाल दिया गया कि 200 यूनिट फ्री दे रहा हूँ। वो तीन महीने के अंदर, तीन महीने के अंदर आप देखो, आज तक वो कहता रहा था, आज तक उसने कहा, आज तक उसने कहा कि मेरे को सेंट्रल गवर्नमेंट काम नहीं करने देती। अब फ्री का फंड कहां से आ गया? ये महिलाओं को ट्रांसपोर्टेशन दे रहा है, कहां से दे रहा है? ये हम लोगों का पैसा है, मैं जीएसटी पे करता हूं, मेरी अपनी फर्म है, मैं इनकम टैक्स पे करता हूं, मेरे फादर इनकम टैक्स पे करते हैं, उसका पैसा कहां जा रहा है भाई? वो अपनी तनख्वाह, इसकी एडवर्टाइजमेंट में जा रहा है। ये 1000 करोड़ रुपए का आपने देखा होगा विधानसभा के जितने भी प्रत्याशियों के लिए डिस्काउंट, आप देखो कि इन्होंने बोला है कि जी आप डिस्काउंट मत दो, आप इनको, इनका जो फंड है आप बढ़ाओ जितना हो सकते है, ऐड का फंड बढ़ाओ। आगजनी हुई है चाहे जामिया से लेकर के, सीलमपुर से लेकर के, तमाम जो इनके जो विधायक, ये सब कांग्रेस का और केजरीवाल मिली जुली सरकार का सारा षड्यंत्र रचा हुआ है, क्योंकि इन्होंने, इनको लग रहा था कि हम लोग अभी कहीं ना कहीं दिल्ली में मार खा सकते हैं, तो इन लोगों ने मिल के प्लान बनाया और मुस्लिम वोट बैंक को कैच करने की कोशिश करी। और 500 रुपए, 700 रुपए की दिहाड़ी में वो लोग बेचारे ठंड में बैठे हैं, बिल्कुल क्यों ना वो लोग, क्योंकि उन लोगों को ना आदत डाली हुई है शुरू से लालच की, जितने यहाँ आगजनी हुई है और ये सरकारी संपत्तियों को नष्ट किया, जैसे कि ये यूपी के मुख्यमंत्री ने बोला कि जो थोड़ेगा उसको वो भरेगा, जो फोड़ेगा वो भरेगा, जो नुकसान बढ़ेगा, तो ये इस तरह का जो है पैटर्न पे, क्या इनको सावधान नहीं करना चाहिए था दिल्ली के मुख्यमंत्री? उसका जवाब मोदी सरकार बिल्कुल मुंह तोड़ करके देगी उन लोगों का, ये लोगों ने जिन्होंने अभी, आपने देखा होगा योगी आदित्यनाथ जी ने भी क्या किया यूपी के अंदर, जबरन लोगों के मकान जब्त कर लिए गए हैं, क्यों कर रहे हैं? आपका जब मन करे आप रोड पे चले, आप सड़क पे किसी भी गाड़ी को तोड़ दें, सिर्फ इसलिए कि आपको 1000-2000 रुपए मिले हुए हैं। दिल से ये काम कोई नहीं कर रहा, सिर्फ पैसों की राजनीति चल रही है लोग, बट इस बात का जवाब मोदी जी मुंह तोड़ तोड़ कर एक एक बंदे को निकाल निकाल के देंगे, जिनके बैंकों में पैसा गया ना, ये सब पैसों का जवाब अच्छे से मिलेगा उनको। आपका